ओके, स्नेहल, मनन, गोविंद, खुशबू, शिवम, Anshul, Tishu, everyone should switch on their cameras. So firstly, I will do one loan schedule sum today. ठीक है? It will just take half an hour. आप लोग भी मेरे साथ-साथ करोगे. And then after that, I will you all can ask your questions जो भी अगर अभी तक आप लोग ने practice करा है और कहीं आप लोगों को कोई doubt लग रहा है, तो आप लोगों को पूछ सकते हो after we complete the sum. Okay, great. So firstly, please switch on your cameras. थोड़ा interactive बनाते हैं class को. I can so that I can see you all. I have two PCs over here ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ. But स्नेहल, जितेंद्र, खुशबू सब अपना कैमरा ऑन करेंगे. So पहले तो सब लोग जिन्होंने practice किया है last week से अभी तक, just raise your hand so that I can see. यहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है, जस्ट रेज योर हैंड. कितने लोगों ने किया है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो वी हैव ओके अराउंड 10-15 लोगों ने किया है. गुड, ग्रेट. सो वेरी गुड यू ऑल, वेरी गुड वेरी गुड. प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इफ CM1 इज योर फर्स्ट पेपर जिनका भी, सो उनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपके लिए वर्ड आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप लोग का टाइपिंग स्पीड काफ़ी स्लो होगा. आप लोग को बहुत इम्प्रूव करना है. एवरी डे 1 आवर 1.5 आवर्स आपको देना ही पड़ेगा ताकि आपका टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो. बिकॉज टिल नाउ यू आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, तो वो ठीक रहता है. बट अभी अब हम लोग को वर्ड में जो पेपर देना ही है, सो थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि पेपर तो हमें वर्ड में ही देना है, राइट? तो उस परस्पेक्टिव से अगर सोचोगे तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा. एंड देर आर सम स्टूडेंट्स आई नो जिन्होंने मेरे को पर्सनली भेजा था. राहुल इज देयर एंड बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनली भेजा था वर्ड फाइल. आई कुडंट चेक इट पर्सनली, बट एक्चुअली आई वांटेड टू डिस्कस इट इन द क्लास. सो आई नो ओके आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस. तो अगर हो पाए आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है? अपना वर्ड फाइल एक बार भेज दिया करो, सो दैट आई कैन जस्ट हैव अ लुक इनटू इट. एंड अगर मुझे कुछ लग रहा है कि सब लोग कुछ कॉमन मिस्टेक बना रहे हैं, तो वो मैं क्लास में फिर डिस्कस कर लूँ. एंड ऑल्सो आई विल मुझे पता रहेगा कि आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस. और यू कैन शेयर इट इन द ग्रुप. एवरी डे मेक इट अ पॉइंट टू एटलीस्ट यू नो डू वन सम एंड सेंड इट इन द ग्रुप. 1 आवर आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना ही है, ट्रस्ट मी, अदरवाइज इजी नहीं होगा, राइट? सो आई जस्ट स्ट्रेट अवे शेयर माई स्क्रीन एंड वील डू दिस सम. आप लोग इस सम का फोटो क्लिक कर लो सबसे पहले तो. ठीक है, लोन शेड्यूल का एक सम है. एंड This is a simple question. I don't have the calculator. आप लोग को सब कुछ मुझे करके बताना है. I'm just here to type it in the word and explain you कि कैसे करना है. Clear? Very simple sum. तो read करते हैं sum को. Again, I will use notations. I will not go through the equation editor approach. अगर आपको equation editor use करना है, आप करो use. There is no issue in that. But I will go through notations wala approach. Why? Because I consider it to be easier and faster. A loan is to be repaid by a series of installments made annually in arrears. The first installment is 200 per annum, and thereafter installments increase by 15 each year. Okay. So basically, we are starting with 200, and every year it is increasing by 15. The installments are paid for 16 years and are calculated using an effective rate of interest 5% per annum. हम लोग को I given है. Calculate the amount of loan. So basically ये जो annuity है, increasing annuity है, इसका आपको present value निकालना है at 5% interest. Clear? Any one of you can just simply raise your hand and tell me इसका equation कैसा बनेगा? कोई भी एक जन. This is question number 3 and I will give the ट्राई करो. मैम 185 A16 प्लस 15 IA16. सही बोला क्या इससे? By 185 because increase second year से हो रहा है. So first year में increase नहीं दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग को 15 से इसको कम करना पड़ेगा. Very good trainer, very good. ठीक है, चलो इसको लिखते हैं. So we will simply write loan equal to. I hope my screen is visible. मैं थोड़ा और इसको zoom in कर देती हूँ. Loan equal to 185. Sorry, 185. क्या था? A16. A16 अब नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 16 n की जगह पे नंबर है, तो उसको अपने लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट में लिखेंगे. So we can just simply write A colon 16. देख लो. You can also give multiplication का साइन या फिर इट्स फाइन, ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं. 185 A16 प्लस 15 IA16 है, राइट? ड्यू है क्या? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है क्या? नहीं, IA ड्यू नहीं लेंगे, A ड्यू नहीं लेंगे बिकॉज इट्स नॉट रिटन कि ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है. सो वी अज्यूम अर्लियर्स में, राइट? सो IA कैसे लिखते हैं? IA, आई होप सबने वो नोटेशन शीट खोल रखा है. इट्स देयर इन द ड्राइव. सो लेट मी जस्ट, मैंने ड्राइव में डाला हुआ है एग्जाम हैंडबुक, उसी में इट्स देयर इन पेज नंबर 11. लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू ऑल. देख लो, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, राइट? ये लाइफ टेबल्स के हैं जो आप लोग पढ़ोगे, जो आप लोग CT5 के पोर्शंस में आप लोग ये सारा पढ़ोगे. ठीक है, अभी वी आर जस्ट डीलिंग विद दिस. सो हमने लिखा AN लिख दिया हमने. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये था हमारा 16. Here now this एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग भूल जाते हैं, दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी कैलकुलेटेड एट 5% इंटरेस्ट. सो यू हैव टू राइट at 5% per annum. ठीक है, ठीक है, ये लिखना मत भूलना कभी भी. एट द रेट का साइन भी दे सकते हो और यू कैन जस्ट सिंपली राइट एट. इज इट क्लियर? लोन, ये पूरा हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना. नाउ दिस इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? दिस इज ऑफ 3 मार्क्स. पूरा कैलकुलेशन इज ऑफ 3 मार्क्स, राइट? सो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग ज्यादा वर्किंग दिखाओ इस केस में. तो नेक्स्ट स्ट्रेट अवे हम लोग को इसको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? इक्वल टू 185. प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व A16. A16 कैसे सॉल्व करोगे? एट 5% इंटरेस्ट. 1 - v⁴ n v⁴ 16 डिवाइडेड बाय I विच इज 5%. चलो करके बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में आंसर कितना आ रहा है. एंड अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इसको हम लोग को करके दिखाना पड़ेगा क्या, 1 - v⁴ n/i करके, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस बिकॉज खाली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो. टेबल बुक का वैल्यूज लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली लिख सकते हो. बताओ कितना आ रहा है वैल्यू चैट बॉक्स में. टेबल बुक का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 10 पॉइंट, वेरी गुड. 10.8. किसी ने 883 लिखा है, किसी ने 83 लिखा है. इट्स 8378. वेरी गुड. टेबल बुक का अगर आप पेज नंबर लिख दो ना, देन इट्स ग्रेट. सो यू कैन जस्ट सिंपली राइट फ्रॉम टेबल बुक पेज नंबर दिस. तो जस्ट लेट मी नो कि क्या है पेज नंबर. एक बार फ्रॉम टेबल बुक पेज नंबर्स क्या क्या है? 57. एंड IE का भी बता दो. सो वी हैव प्लस 15 इंटू IE16 का भी वैल्यू बता दो एंड पेज नंबर भी बता दो. वेरी गुड अनुश्री. 80.9975. वेरी गुड. पेज नंबर सेम पेज, ग्रेट. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, फ्री हो गया हमारा। नाउ इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है, लोन अमाउंट कितना आ रहा है। यू विल गेट 1.5 मार्क्स यहाँ तक के लिए पूरा, एंड फाइनल आंसर का यू विल गेट 1.5 मार्क्स। यस वत्सल। मैम जैसे ये टेबल बुक हम लोग ऊपर में लिखे, हम लोग साइड में लाइन के ब्रैकेट देके लिख सकते हैं इसको? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसके बगल में ही हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या ऐसे? यस लिख सकते हो, क्यों नहीं। टैब प्रेस करो, टैब बटन से क्या होता है 5 स्पेसेस आ जाते हैं, जिससे अपने ऐसे स्पेस देते हैं ना, तो स्पेस दोगे, इससे अच्छा यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टैब एंड उससे ऑटोमेटिकली 5 स्पेसेस आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे You can just simply write this. ठीक है, दोनों जगह पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। ओके, कितना आ रहा है आंसर, क्या बताया आपने? 3, वेरी गुड, 3219.96, 2 डेसिमल तक लिखते हैं फाइनल आंसर। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, यू कैन कीप इट इन बोल्ड एज वेल इफ यू वांट टू। Do not forget to give this dollar sign because यहाँ पे हमारी क्वेश्चन में डॉलर साइन, ठीक है। सो डॉलर साइन कैसे देंगे? Shift 4। क्लियर? ग्रेट। सेकेंड पार्ट रीड करें, कर लो सब लोग, मेरे साथ साथ लिख लो इसको, मेरे साथ साथ करो, एंड प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्लीज अगर आप लोग वर्ड में नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, इट्स रियली नाउ द टाइम कि आप लोग स्टार्ट करो। एंड अभी आप लोग का जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो आपका एग्जाम है, सो 1 आवर एवरी डे वर्ड को देना ही है। रिचा, इट्स देयर इन द ड्राइव, आज मैं वापस से लिंक शेयर कर दूंगी। यूट्यूब में जो वो वीडियोज आ रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक जो आप लोग फॉलो कर रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ड्राइव लिंक, उसमें सब कुछ डाला हुआ है। ये वाला वर्ड फाइल नहीं डाला हुआ, वो मैं आज डाल दूंगी, ठीक है। वहां पे एक्चुअली इट्स अ कॉमन फोल्डर, तो उसमें CS1 के भी आपको मिलेंगे, CS1, CM2 के भी मिलेंगे, आपको खाली उसमें से CM1 के निकालने हैं। ओके, ये हो गया सबका। एक बार थम्स अप दिखा दो सब। ग्रेट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्ट अ लोन शेड्यूल दैट शोज द कैपिटल एंड इंटरेस्ट एलिमेंट्स included in and the amount of loan outstanding after each of the 5th and 6th installment. तो यहाँ पे क्या निकालने बोले? 5th and 6th इंस्टॉलमेंट का हमें कैपिटल एंड इंटरेस्ट एलिमेंट निकालना है, एंड कैपिटल आउटस्टैंडिंग आफ्टर द 5th and 6th पेमेंट। तो वो पूरा लोन शेड्यूल जो अपने बनाते हैं, ईयर का एक कॉलम रहेगा ऑब्वियसली, कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट, कैपिटल एलिमेंट, योर इंस्टॉलमेंट, कैपिटल एलिमेंट, इंटरेस्ट एलिमेंट, कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है। अब हम लोग टेबल बनाना सीखते हैं कि हम यहाँ पे एक्सेल, सॉरी वर्ड में कैसे बनाते हैं। 1 सेकेंड। I'll just write, this is my second part, and तो हम लोग सबसे पहले तो कोई मुझे आइडिया दे सकते कि हम अगर टेबल बनाना स्टार्ट करें, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप होगा कि हमें 5th इंस्टॉलमेंट हम कितना पे कर रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालने बोले? कैपिटल एलिमेंट, इंटरेस्ट एलिमेंट। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैपिटल आउटस्टैंडिंग 5th इंस्टॉलमेंट के पहले। 5th इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हो? ईयर 5 में। तो ईयर 5 के स्टार्टिंग पे व्हाट इज द कैपिटल आउटस्टैंडिंग, वो निकालना है। कितना इंस्टॉलमेंट 5th ईयर में पे कर रहे हैं वो निकालना है, सही है। एंड फिर उसमें से कैपिटल एलिमेंट, इंटरेस्ट एलिमेंट निकलेगा, फिर तो इट्स सिंपल। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बताओ कि कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट टाइम 5 या फिर आफ्टर 4 पेमेंट्स कैसे निकालेंगे? एनी वन ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू, कोई भी एक जन से। सो बेसिकली आई वांट कैपिटल आउटस्टैंडिंग आफ्टर 4 इंस्टॉलमेंट या फिर आफ्टर 4 पेमेंट्स। यस, इसमें सबसे पहले दिव्यांश बोलो। मैम पहले तो अपन ये निकालेंगे कि अपन ने पेमेंट कितना किया टाइम 5 पे, जैसे 185 प्लस 15 इंटू 5, फिर 185 प्लस 15 इंटू 5, फिर टाइम 6 पे 185 प्लस 15 इंटू 6, तो ऐसे करके वापस अपन उसको सबको टाइम 4 पे वापस टान लेंगे। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे फिफ्थ पेमेंट बताओ तुम। हाँ मतलब 260 A11 मैं फिफ्थ पेमेंट बोल रही हूँ। फिफ्थ पेमेंट 260 कैसे आया? 185 प्लस 15 इंटू 5, 185 प्लस 15 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5। सही बोल रहे क्या ये? सही बोल रहे क्या ये सब लोग? ठीक है म्यूट करो। सही बोल रहे ये? सो 185 तो एवरी ईयर हम लोग ले रहे हैं एन्युटी में ये वाला A16। सो फिफ्थ पेमेंट में भी 185 वाला एलिमेंट रहेगा एंड देन ये 15 इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, 1 into 1 into 2 into 3। सो फिफ्थ पेमेंट है तो इंटू 5 होगा। सो इसका पूरा आ रहा है हमारा $260। वेरी गुड दिव्यांश। वंस यू हैव दिस, नेक्स्ट अब मुझे बताओ कि हम लोग कैपिटल आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे। नहीं दिव्यांश नहीं, कोई और? यस मनन। मैम 245 A12 प्लस 15 IA12। वेरी गुड। तो 260 पेमेंट हो रहा है एट टाइम 5। फिफ्थ पेमेंट इज बेसिकली हमारा 260 का फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो हम पे करें। सो 260 नेक्स्ट ईयर होगा, 275 उसके। सो एवरी ईयर 15 से इंक्रीज होगा, तो इस ईयर हमें क्या है 15 से कम करके बताना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इधर 245 इंटू अगेन वो पूरा हमारा ये आ जाएगा जो हमने इधर लिखा था। सो वॉट आई कैन डू इज नाउ आई कैन जस्ट सिंपली कॉपी दिस एंटायर थिंग। ठीक है, आई विल जस्ट सिंपली कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूंगी। ये खाली हमारा हो जाएगा 245। सो 245 ए क्या होगा, 16 होगा क्या? नहीं, क्या होना चाहिए? हमने 16 नहीं, हमने ऑलरेडी 4 पेमेंट कर दिया है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए? मनन क्या होगा? ए वॉट, A16 ही लिखेंगे? 12 या 11? चैट बॉक्स में बताओ सब लोग 12 होगा कि 11 होगा? वेरी गुड, 12 होगा ना, क्योंकि हमने 4 पेमेंट अभी तक किए है। फिफ्थ पेमेंट से कंसिडर करें, हम लोग निकाल रहे हैं कैपिटल आउटस्टैंडिंग आफ्टर फोर्थ पेमेंट। तो और 16 पेमेंट्स था टोटल, 4 पेमेंट्स हो गए तो और 12 पेमेंट्स बचा ना। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट की तुरंत बाद निकाल रहे हो कैपिटल आउटस्टैंडिंग या फिर फिफ्थ पेमेंट की पहले निकाल रहे हो तो 12 आएगा, नॉट 11। ये चीज में कंफ्यूज मत होना कभी भी। एंड अगेन आई एम जस्ट सी, मैंने कैसे शॉर्टकट लिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया है पूरा चीज। ठीक है, मैंने ये पूरा इक्वेशन कॉपी पेस्ट किया। अगर कर रहे हो कभी भी, डू नॉट फॉरगेट टू चेंज दीज, डू नॉट फॉरगेट टू चेंज दीज, अदरवाइज पूरा चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इक्वेशन को चेंज करना मत भूलना। ओके, सो नाउ जस्ट सॉल्व इट एंड लेट मी नो आंसर क्या आ रहा है। बट अगेन आप लोग को A12 एंड IA12 अलग अलग करना पड़ेगा एंड फिर मुझे बताना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 245 इंटू A12 बताओ एंड अगेन टेबल बुक में देख के 8.86325। वेरी गुड। सो 8.8 plus 15 into 52.487। Very good. Again, we'll take the same page. So I'll just copy paste again. देख लो फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ। वेरी गुड मैडम अक्षत, वेरी गुड। 2958.82 ठीक है, ओके। सो नाउ वंस वी हैव डन दिस, हमारा कैपिटल आउटस्टैंडिंग आ गया आफ्टर फोर्थ पेमेंट। हमारा फिफ्थ पेमेंट कितना है वो आ गया, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितना होगा वो आ गया। सो नाउ वी आर रेडी टू मेक द टेबल लोन शेड्यूल का। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आर वी सपोज टू राइट टेबल बुक वाला चीज इन ब्रैकेट, इट्स बेटर दैट यू राइट इट ऑलवेज, पिशू इट्स ऑलवेज गुड टू राइट इट। ठीक है, रेफरेंसिंग करना बोलते हैं इसको, हम हमेशा लिखते हैं इसको। एंड आपको क्या करना है, हमने क्या किया अभी, क्या मैंने बार बार इसको टाइप किया? नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सो हर बार यू कैन कॉपी पेस्ट एंड यू कैन चेंज द पेज नंबर जस्ट। तो खाली आपको ये एक बार लिखना पड़ेगा एंड पेज नंबर खाली। सो बी स्मार्ट, ये कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी। यहाँ पे भी मैंने ये इक्वेशन कॉपी पेस्ट किया। सो वो आप लोग विथ प्रैक्टिस ही सीख पाओगे। सो लेट्स मेक द टेबल। इंसर्ट में जाओ, टेबल में जाओ। नाउ वी विल सिलेक्ट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बार के लिए मुझे पता नहीं कितना कॉलम्स लगेगा कितना रोज लगेगा, जितना मुझे लगा 3-4 मैंने सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, एक बार के लिए 3-4 मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया क्विकली। नाउ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ईयर का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, फिर खुद से ट्राई करना। यू कैन डिक्रीज दिस साइज बाय एकदम ऐसे एडजस्ट करके, जस्ट टेक योर कर्सर ऑन दिस लाइन एंड ऐसे ये वाला जब आ जाएगा कर्सर चेंज हो जाएगा, यू ऑल कैन डायरेक्टली शिफ्ट इट। ठीक है, तो ईयर के लिए आई थिंक इतना इनफ है। ईयर में तो हम ऐसे भी 5, 6, 7 ऐसे ही लिखेंगे, करेक्ट है? तो ईयर के लिए इतना इनफ है। एक बनेगा कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट, ये बनेगा। अगेन इसके लिए भी हम लोग डिक्रीज कर देंगे अपना साइज। ये हो गया इंस्टॉलमेंट पेमेंट, आप लोग कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। एक इंस्टॉलमेंट का बन गया, एक इंटरेस्ट का बन जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप लोग को एक और कॉलम चाहिए था कैपिटल का, एक और कॉलम चाहिए था कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड का। ये आपका इंटरेस्ट एलिमेंट है ना। एक और चाहिए, तो हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे? अब यहाँ पे ना जब कर्सर ऊपर लेके जाओगे ऐसे तो प्लस का साइन आएगा, देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का साइन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस, अपने आप एक ऐड हो गया। सो आई विल जस्ट डिक्रीज द साइज अगेन। इंटरेस्ट एलिमेंट हो गया, सिमिलरली कैपिटल एलिमेंट करेंगे। ये इतना टाइम लगेगा नहीं, आप लोग बहुत धीरे आराम से एकदम क्विकली बना पाओगे अगर प्रैक्टिस करते हो तो। कैपिटल एलिमेंट आ गया, एक और कॉलम चाहिए प्लस। हैंड रेस करो किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। इसमें आ जाएगा कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सो आई विल जस्ट सिंपली not type it again, I will just copy paste it. बना लो सब लोग, I will wait for everyone to make it, क्योंकि अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग अभी पूछ लेना मेरे से। तो आप इधर कर्सर लेके जाओ, आएगा ऑप्शन। और अगर नहीं आ रहे तो जो सिंपली राइट क्लिक एंड यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा आपके पास। देखो यहाँ पे टेबल डिजाइन आ रहा है, लेआउट आ रहा है, ऑल ऑफ दीज यू विल गेट। सो टेबल डिजाइन आप लोग को जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू कीप इट रियली सिंपल। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वाला कोई सिलेक्ट कर सकते हो, एकदम सिंपल रखना है, कोई वैसा नहीं रखना। All of you try it on your own and अगर नहीं होता तो मुझे बोलो चैट बॉक्स में। आर्यन आया प्लस का ऑप्शन, अगर नहीं आ रहा ऐसे सिलेक्ट करो इस पूरे कॉलम को। कैसे सिलेक्ट करोगे? जस्ट लेफ्ट क्लिक करके पूरा ड्रैग करो, क्लिक ऑन राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। प्लीज एक बार देखो जिनका प्लस साइन नहीं आ रहा, जैसे मेरे यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, अगर आपके में ऐसे प्लस साइन नहीं आ रहा सो जस्ट सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, राइट क्लिक, इंसर्ट, वेरी गुड। एंड यहाँ पे यू कैन जस्ट insert column to the left, column to the right, above, below, whatever. तो हमें कॉलम अगर राइट में इंसर्ट करना होता है, I will just right click on this, insert columns to the right. देखो अपने आप एक कॉलम आ गया। If you want to delete a column, just ये वाला देखो, देखो शॉर्टकट जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। यहाँ लेके जाओ कर्सर को, एक एरो साइन आया, इस पे क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन डिलीट। सॉरी फिर से दिखाती हूँ, 1 सेकेंड दिव्यांश। यस बोलो, बैक स्पेस पे क्लिक करना होता है, डिलीट नहीं। हाँ दिव्यांश बोलो। मैम इसमें अपन ये टेबल ना बना के एक्सेल ही ओपन कर दे इसमें छोटा सा? नहीं वो नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं कर सकते इधर छोटा सा ओपन, दैट्स नॉट अलाउड। एक्सेल से टेबल कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट अगेन हम लोग वो तरीका नहीं यूज करेंगे, हम लोग सिर्फ वर्ड फाइल में ही सब कुछ करेंगे। आई एम टीचिंग यू द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड एंड जो हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में वही, ठीक है। एक्सेल ओपन नहीं कर सकते इधर अलग से। क्लियर है सबको? एक बार सबका बन जाए तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो। Great. So now we will start filling up the column. Year हम लोग start करेंगे कौन से year से? 5th year से। And अब देखो ये bold में आ रहे हैं, मैं इसको पहले bold से हटाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो 5 लिखा, एक बार ध्यान दो। Next cell में जाने के लिए आपको कुछ भी cursor use करने का जरूरत नहीं है, mouse use करने का जरूरत नहीं है। Just click on the button tab. Tab में click करो, देखो next cell में आ जाएगा। आया? टैब में क्लिक करो, नेक्स्ट बटन में आ जाएगा। कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट हमने यहाँ पे निकाला है, सो वी कैन कॉपी पेस्ट और यू कैन जस्ट टाइप इट अगेन। ये हमारा कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट है। इंस्टॉलमेंट भी देखो मैंने यहाँ पे निकाला है, सो इंस्टॉलमेंट भी आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर। अगेन टैब। इंटरेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे? ये वर्किंग्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि ये अमाउंट्स आपका कहाँ से आया। तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम अबव। ठीक है, फ्रॉम अबव। एक बार यहाँ तक हो जाए तो बताओ। और इंटरेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे? हैंड रेस करके बताओ कोई भी एक जन। ओ राहुल ने लिख दिया है, अनुश्री में ने लिखा है कैपिटल आउटस्टैंडिंग इनटू 0.05। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये दिखाना पड़ेगा हमें फॉर द फर्स्ट रो, क्योंकि एग्जामिनर को अदरवाइज नहीं समझ में आएगा कि हमारा आंसर कहाँ से आ रहा है। सो कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट into 0.05, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डॉलर कितना आ रहा है करके बताना। ये आपको दिखाना पड़ेगा। और ये जो दिखा रही हो ये खाली खाली फर्स्ट रो के लिए दिखाएंगे, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग आंसर्स दिखेंगे, वर्किंग्स नहीं दिखाएंगे। 147.94 वेरी गुड। कैपिटल एलिमेंट कैसे निकलेगा? इंस्टॉलमेंट माइनस दिस, तो लिख दो इधर 260। एक्चुअली यहाँ पे आप लोग डॉलर साइन अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डाल दिया है, अब मैं नहीं लिखूंगी। डॉलर साइन आप लोग इधर अवॉइड कर सकते हो लिखना। एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में गए, कितना आ रहा है कैपिटल एलिमेंट बताना। वेरी गुड राहुल। नेक्स्ट, अच्छा मैं ये हटा देती हूँ, आप लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो टेबल के अंदर। इन डॉलर्स है पता है हमें, सो यू कैन जस्ट अवॉइड राइटिंग डॉलर्स क्योंकि उससे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड कैपिटल आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे? जो स्टार्टिंग में था हमारा वैल्यू विच इज 2958.82 माइनस कैपिटल एलिमेंट जो हमने पे किया 112। एवं मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है? ठीक है, 2846.76 वेरी गुड। क्या आया? एक बार कर लो इसको, फिर आराम से करेंगे बाकी सारा भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये वाला जो वर्किंग हमने इधर ये जो हमने दिखाया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फर्स्ट रो में दिखाओ। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार ध्यान से देखो, ये हर एक कॉलम को नेम दे देते हैं, जैसे ये कॉलम ए बी सी डी ई, ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रही, ए बी सी डी ई नेम्स दे दिया। उसके बाद ये जब कैलकुलेट करो, ये तो हम लोग चलो ऊपर से निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट जब निकालोगे तो आप लोग सिंपली लिख सकते हो ए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट ए इंटू आई, ठीक है यहीं पे। और कैपिटल एलिमेंट में यू कैन सिंपली राइट बी माइनस सी। लेट मी शो यू ऑल दैट एज वेल। यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ ब्रैकेट में ए लिख दिया, यहाँ लिख दिया चलो ब्रैकेट में बी, ठीक है, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में सी इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, ए इंटू 0.05। ये वाला ऑप्शन भी यू कैन डू, आई हैव शोड यू दोनों ऑप्शन, दोनों साथ में मत करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। Either you can use this approach or you can use this approach कि एक जगह दिखाया खाली फर्स्ट रो में एंड बाकी में नहीं दिखाया। So both the approaches you can do। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है एक बार अनम्यूट करके पूछ लो मुझसे। कैपिटल एलिमेंट हो गया, हम ले लेते हैं इसको D, which is your B minus C, and this is again your E। E को ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा ए माइनस, लिख लो, ठीक है। सो आइदर यू कैन डू इट इन दिस मैनर, ये करके छोड़ दिया, या फिर खाली फर्स्ट रो का दिखा दिया वर्किंग्स और नेक्स्ट रो से नहीं दिखाना पड़ेगा। जस्ट दैट एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स आपने क्या वर्किंग किया है। चलो अब यहाँ पे आ गए, टैब करो 6, ये अगेन नेक्स्ट में जाओ, दिस विल बी 2846.76। अब यहाँ से वर्किंग दिखाने का कोई मतलब नहीं है। इंस्टॉलमेंट अब कैसे निकालेंगे? प्लस 15 करके 275, अगेन जरूरत नहीं है कुछ भी दिखाने का, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड क्योंकि ओनली 5 मार्क्स गिवन है तो इतना हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो इसका भी वर्किंग्स नहीं दिखाना। 2846.76 into 0.05 करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, इंटरेस्ट एलिमेंट कैपिटल एलिमेंट सब कुछ करके बताओ मुझे। वेरी गुड। देख लो मैं डॉलर साइंस नहीं यूज करी, जरूरत नहीं है। कैपिटल बताओ, 117 पॉइंट है, दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, गलत बोल रहे हो, 132, वेरी गुड, 132.66, वेरी गुड, ये बताना 2714.09, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो हमें क्या बोला है, कैपिटल देख लो एक बार रीड करो यहाँ पे, एंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर ईच ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट जो हमने निकाल लिया है, इट्स ऑलवेज बेटर टू शो इट इन दिस मैनर। देखो अब अगर हमें नेक्स्ट रो में जाना है, वी हैव टू इंसर्ट वन सिंगल रो, तो यहाँ पे हमें प्लस साइन करने का जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टैब। अभी देखो मेरा कर्सर यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देखो, प्लस क्लिक करने का करोगे तो आ जाएगा रो, बट अगर वो भी नहीं करके टैब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू द नेक्स्ट रो। देखा मैंने क्या किया, अगेन आई रिपीटेड, टैब पे क्लिक करो, यू आर कमिंग टू द नेक्स्ट रो। तो ये हो गया 7 और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 2714.09, दैट्स इट। ये हमारा पूरा टेबल बन जाएगा एंड ये पूरा मेरा 5 मार्क्स का सम हो जाएगा। इस पूरे टेबल का आई विल गेट 2.5 मार्क्स एंड इस पूरे कैलकुलेशन का आई विल गेट 2.5 मार्क्स। इनफैक्ट 1 सेकेंड, हमें ठीक है, कैस वत्सल मैम, जैसे हम लोग यहाँ पे रीनेम कर दिए उसको कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ये सब, तो उसके बाद भी अगर हम लोग कैलकुलेशन दिखाना हम लोग को जरूरी होगा क्या? मां ध्यान का है या खाली क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा? मैंने इसीलिए बार बार बोला, जो हम लोग ये लिख देते हैं रीनेम कर दिया ABCD, तो जरूरत नहीं है फिर ये सारा फ्रॉम अबव देखो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स सेल्फ अंडरस्टूड, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आई एम जस्ट रिमूविंग इट, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट येस ये दिखाने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे राइट द आंसर। अगर रीनेम नहीं कर रहे हो तो खाली फर्स्ट रो आपको पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा, उसके बाद से यू कैन जस्ट पुट डाउन द नंबर्स। ठीक है वत्सल, ठीक है, ओके ये हो गया हमारा, वील मूव टू द थर्ड पार्ट, कर लो आराम से सब लोग, आई विल गिव यू 2 मिनट्स टाइम। हो जाए तो चैट बॉक्स में पर यस लिख देना, थम्स अप दिखा दो, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल वेट। एंड प्लीज आज से स्टार्ट कर दो, अगर जिन्होंने भी नहीं स्टार्ट किया है वर्क करना। देखो इट्स योर एग्जाम, यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम, तो आपको 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स जो भी बचे हुए हैं, पूरा कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट फोकस के साथ आपको पढ़ना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत आने दो। जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव आउटकम कि चलो हमें अच्छे से क्लियर करना है पेपर, एंड स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी क्यों बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप वर्ड मैनेज कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे, वर्ड मैनेज नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आपको अभी से देना पड़ेगा इसको टाइम, जस्ट 1 आवर एवरी डे, दैट्स इट। योर पूरा दिन का शेड्यूल शुड बी 1 आवर वर्ड, जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था कि एकदम एंड में, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो तो रात में सबसे एंड में सब कुछ पढ़ने के बाद यू कैन डू सिट एंड डू योर वर्ड, और जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे करो। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एक्सेल में आप सॉरी वर्ड में आपको ज्यादा सोचना कुछ नहीं है इधर उतना, यू हैव टू प्रैक्टिस टाइपिंग, इम्प्रूव योर स्पीड। तो आप लोग टुवर्ड्स दी एकदम एंड जब पूरा दिन का पढ़ लिया उसके बाद कर सकते हो। स्टार्ट योर डे विद स्टडिंग थ्योरी का सम्स किया, थ्योरी पढ़ा, देन मूव टू एक्सेल, डू 1.5 hours of Excel every day and 1 hour of typing. So basically 2.5 hours every day you have to devote to your laptops. जहाँ पे आप लोग वर्ड कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो 2.5 hours every day. And बाकी 3 hours 4 hours जो आपको लगे, जैसे कन्वीनियंट लगे, आप अपना थ्योरी पढ़ो। क्लियर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट। So what is our third part? देखो, calculate the capital and interest element of the final installment. Final installment यानी कि 16th installment जो हमारा है, यानी कि 16th year में जो हम पे करेंगे, करेक्ट है? तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? फाइनल इंस्टॉलमेंट हमने कितना, अच्छा आई एम नॉट टेलिंग यू, कोई भी एक जन हैंड रेज करके मुझे बताओ कैसे करेंगे। यस अनुश्री, 185 plus 15 into 16. इससे क्या आएगा? फाइनल इंस्टॉलमेंट आएगा 185 into 50 plus 15 into 16 करके। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट कैसे करेंगे? नेक्स्ट कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट टाइम 15 कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट टाइम 15 कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड अनुश्री। खुशबू ट्राई करो कैपिटल आउटस्टैंडिंग। अच्छा पहले इतना करते हैं, चलो देन खुशबू तुम आंसर करना कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट टाइम 15 कैसे करेंगे, ठीक है? सो फाइनल मैंने देखो, हाँ, सो फाइनल इंस्टॉलमेंट इज 185 प्लस 15 इंटू 15, सॉरी 16 इन योर्स एंड सारे अमाउंट। वेरी गुड, 425, ठीक है। फाइनल इंस्टॉलमेंट आया। अच्छा एक चीज मैं शॉर्टकट कुछ शेयर कर देती हूँ, शॉर्टकट नहीं है जिस टिप्स है, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, अभी प्लीज ध्यान दो। तो व्हेन आई क्लिक ऑन एंटर टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, अपने आप ही फोर्थ वाला बुलेट पॉइंट आ गया, मुझे नहीं चाहिए। सो क्लिक ऑन बैक स्पेस, बैक स्पेस पे क्लिक करो, ठीक है? बैक स्पेस पे क्लिक करो। उस दिन भी कोई पूछा था ना, अपने आप कोई लेटर्स वर्ड्स कैपिटलाइज हो जाते हैं, मुझे नहीं करना, तो बैक स्पेस या कंट्रोल Z बोला था मैंने, यहाँ पे बैक स्पेस पे क्लिक करो। ओके सो नाउ आई नीड लोन या फिर कैपिटल वॉट एवर आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनल ईयर। किससे पूछा था मैंने? खुशबू से। खुशबू बताओ। यस मैम, मैम फाइनल इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, वो कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट टाइम 15 आ जाएगा और वही लास्ट कैपिटल अमाउंट हो जाएगा, मींस कैपिटल एलिमेंट। वापस से बोलो, एक बार फिर से बोलो, शुरू से बोलो। मैम फाइनल इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, ये फाइनल इंस्टॉलमेंट 425 1 + 1.15 बेसिकली 425 into V, ठीक है? वेरी गुड, ये सही बोला क्या इसने? क्या अब हमें एन्युटी अप्रोच यूज करना है? कुछ भी एन्युटी नहीं, एक ही पेमेंट बचा हुआ है which is 425 which is at time 16, time 15 पे क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? 425 into V, एक साल डिस्काउंटिंग करेंगे। बच्चल एन्युटी लगाएंगे कि यहाँ पे कोई सा नहीं, ठीक है? चलो 425 into V, you can write capital V whatever it is, and you can also write यहाँ पे at 5%, ठीक है? ये भी लिख सकते हो और आना कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। अगेन लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनल ईयर डॉलर यूज करके लिख देते हैं, क्योंकि जो भी फाइनल आंसर होता है उसको डॉलर में लिखोगे तो बेटर रहेगा। 0.77 आ रहे कि 0.76 आ रहे? 0.76 आ रहे। वेरी गुड, ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट वी वांट कैपिटल आउट। अब हमें फाइनल इंस्टॉलमेंट आया, इसका हमें क्या निकालना था? कैपिटल एंड इंटरेस्ट एलिमेंट। तो कैपिटल एलिमेंट कैसे निकालेंगे? एक्चुअली दिस इज व्हाट द कैपिटल एलिमेंट, जैसे खुशबू ने बोला, तो हम क्या लिख सकते हैं यहीं पे इक्वल टू करके कैपिटल डेट या फिर कैपिटल एलिमेंट ऑफ फाइनल ईयर, ठीक है। यहीं पे इक्वल टू करके लिख दिया कि ये हमारा कैपिटल पेड इन फाइनल ईयर है, या फिर अगर आपको वापस से अलग से दिखाना है नीचे कैपिटल पेड इन फाइनल ईयर इक्वल टू 404.77 वैसे भी कर सकते हो, 76 है, ये हो गया। एंड लास्टली वी हैव इंटरेस्ट एलिमेंट, पंच बताओ इंटरेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है मैम। जो हमें शायद लास्ट इंस्टॉलमेंट का निकालना है ना शायद, हाँ, तो इंस्टॉलमेंट माइनस कैपिटल पेड इन फाइनल ईयर 425 माइनस 404.76, मुझे आंसर बता दो। 20.24। वेरी गुड, चलो म्यूट कर दो। सो वी हैव द आंसर, ये कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का। सो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा पूरे के लिए, और इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। देख लो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बोल रहे हो आंसर्स। प्लीज पर वर्ड में स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। मैं एग्जाम आप लोग का है, फिर प्लीज प्लीज मैं बोल रही हूँ आप लोग को करने के लिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। पर अगर अभी से 1 आवर करते हो, आई वॉज सो हैप्पी। 2-3 लोगों ने मुझे अलग से भेजा टेलीग्राम पे वर्ड फाइल अपना, इतना अच्छा लगा कि आप लोगों ने ट्राई किया एटलीस्ट। आई रिसीव्ड, मुझे खाली अभी याद आ रहा है राहुल का, मुझे याद आ रहा है, और मुझे किसी का याद नहीं आ रहा किसका मेरे पास आया था, क्योंकि राहुल ने आई थिंक 1-2 दिन पहले भेजा। सो वेरी गुड, प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू। एंड सब अपना कैमरा ऑन करो। आज इतना ही एक ही सम करेंगे आज हम लोग, इसी में हमें काफी टाइम लगा। ये सम आप लोग को पूरा वर्ड में करने में यू शुड नॉट टेक मोर देन 12 to 15 मिनट्स, नॉट टेक मोर देन 12 to 15 मिनट्स आप लोग का। लेट्स डू सम मैथमेटिक्स। यहाँ पे अपना मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ। आप लोग का टोटल इज 100 मार्क्स। आप लोग को टाइम कितना मिल रहा है, 3 hours 15 minutes, 15 मिनट छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो 3 hours 15 minutes में आप लोग को पेपर डाउनलोड करना है। एंड यू हैव टू स्टार्ट। चलो लग गया डाउनलोड में 5 मिनट्स लग गया हमें, तो वो छोड़ देते हैं 15 मिनट्स पूरा। मान लेते हैं 3 hours हमारे पास टाइम है, राइट। 3 hours मतलब कितना मेरे को मिनट्स मिला, 3 into कितना मिनट्स मिला मुझे 3 hours में, क्विकली बताना एक बार मैथ करके। 180 मिनट्स मिला। 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट करना है, तो 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है, यस और नो। 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको टोटल नॉट मोर देन 15 मिनट्स लगना चाहिए। वैसे तो 18 आ रहे हैं, बट अपने रिवीजन के लिए टाइम रखेंगे ना, तो 10 मार्क का सम में नॉट मोर देन 15 मिनट्स, दैट इज द अपर लिमिट। अगर 12 मिनट्स लग रहे हैं बेस्ट है, चलो अपर लिमिट मान लेते हैं 15 मिनट्स, क्योंकि हाँ कैलकुलेशन एंड ऑल भी करना है, टेबल बनाना है, 15 मिनट्स। तो ये पूरा सम जिस दिन तक आप लोग का 15 मिनट्स में खत्म नहीं होगा विथ कैलकुलेशन, उस दिन तक आप लोग को प्रैक्टिस करना है। So this should be your target. Every sum देख लो और उसके अकॉर्डिंग उसको इतना वेटेज दो, उससे ज्यादा उसको वेटेज नहीं दे, ठीक है। ये एकदम सिंपल मैथ हमने कर लिया, तो आज इतना करते हैं। प्लीज प्रैक्टिस करो। आई विल कीप 1 more क्लास, मे बी नॉट दिस वीक, नेक्स्ट वीक जब आप लोग का हो जाएगा स्टार्ट। CT5 आप लोगों को हो गया स्टार्ट इनफैक्ट, सो आई जस्ट वॉन्ट थोड़ा टाइम आप लोग उसको करो पेन पेपर पे। फिर अभी के लिए CT1 का जितना भी पोर्शंस है प्रैक्टिस करो, एंड कभी भी कोई भी डाउट आए, आई विल कीप 1 डाउट्स क्लास इस वीक में, जिसमें आप लोग खाली मुझसे डाउट्स पूछोगे ऑफ रिलेटेड टू वर्ड. अगर अभी भी कोई डाउट है, यू ऑल कैन आस्क मी, जस्ट रेज योर हैंड. आईए बार एंड आईए होल बार का नोटेशन क्या होगा, जैसे आपने जैसे लिखा है ना वर्ड में, दिखा देती हूँ आज वर्ड में दिखाती हूँ. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन काजल ने पूछा है. आईए बार कैसे लिखेंगे, आई ए बार suppose 14 है, whatever it is, and IA whole bar, so you can just simply write IA whole bar. Clear है? समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को. मैम प्लीज शेयर वर्ड फाइल लिंक इन ग्रुप. प्रेरणा, ऑल ऑफ द वीडियोज आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड मैं उसका लिंक शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे. उसमें डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लाइन देखना, अगर आप पहले वाला भी वीडियो देखो उसमें लिंक दिया वेब ड्राइव का, ठीक है, उसमें सब कुछ है. ये वाला वर्ड फाइल नहीं है, ये मैं आज अपलोड कर दूँ, ठीक है प्रेरणा. ओके, एनीवन एनीथिंग एल्स पूछो, ऐसे पूछते रहो. जैसे अभी ये पूछा ना, आइए बार आइए होल बार, आप लोग ऐसे लिख सकते हो. इट्स सेल्फ अंडरस्टूड. आप लोग अगर आइए बार लिखते हो ना, ऐसे एग्जामिनर बेवकूफ नहीं कि वो लगेगा अरे ये तो होल बार होना चाहिए, नहीं, वो समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है. वेरी गुड काजल, और पूछो. ठीक है, तो और कोई अगर डाउट नहीं है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड अगर आप लोगों को है तो, सो दैट आई कैन वेट. यस वत्सल. मैम जैसे कि हम लोग इतना सारा शॉर्टकट्स और नोटेशन रिमेम्बर करना हम लोग उतना टफ होगा, तो हम लोग एग्जाम में खोल के कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है इसमें. क्या टफ लगा मेरे को बताओ? तुमसे अगर मैं बोलूं ए ड्यू 10, तुमने प्रैक्टिस किया अभी तक? एक बार भी ऑनेस्टली बताओ, वर्ड में प्रैक्टिस किया है खुद से? मैम आपके साथ ही जो करते हैं वही. नहीं, वो प्रैक्टिस में नहीं आता, वो क्लास में आता है. नहीं किया है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड बस म्यूट करो. राहुल क्लास में है क्या? राहुल एक बार रेज योर हैंड. अगर राहुल क्लास में तो नहीं है, कोई और जिसे. यस राहुल, तुमने अभी तक कितना आज प्रैक्टिस किया है वर्ड में? अनम्यूट करके बताओ, आवाज नहीं आ रही. चैट बॉक्स में लिख दो. अभी रुक जाओ वत्सल, अभी मैं तुम्हारा आंसर करती हूँ, रुक जाओ. और अगर तुम आज से प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया और मेरे को डेली अपना वर्ड का फोटो नहीं भेजा वर्ड फाइल का, तो तुमको क्लास में नो एंट्री. दिन की 5 क्वेश्चंस और तुम दिन का 0 क्वेश्चंस. अब राहुल से तुम पर्सनली मैसेज करके पूछना कि भाई तुमको याद करना पड़ रहा है क्या, बस उससे मैसेज करके पूछना, वो तुमको अच्छे से बताएगा. एक दिन खाली 1 आवर प्रैक्टिस कर लोगे तो ही कुछ याद नहीं करना पड़ेगा. कितने ही नोटेशंस है आपके पास, सब यहाँ पे दिए हुए हैं आपको. नहीं अगर यही तो बात है वत्सल का क्वेश्चन इज कि मैम ये अपने खोल के रख सकते हैं क्या? बट वत्सल, टाइम तो आपको खाली 180 मिनट्स ही मिल रहा है, उसमें बैठ के अगर ये नोटेशन ढूंढने लग जाओगे तो टाइप कब करोगे और सबमिट कब करोगे? तो उतना टाइम नहीं मिलेगा. इवन इफ यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप देख के लिख पाओ. आप जितने में ढूंढ के लिखोगे देखोगे उतने में टाइम खत्म हो जाएगा. तो वो सोचो भी मत, उसको अपने ऑप्शन में रखो ही मत, उतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में. ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो ये 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करो, सब याद रहेगा. सब कुछ है ही नहीं, सब सेम टाइप का है. और एट द एंड अगर कुछ भी नहीं समझ में आते, राइट इट इन वर्ड्स. जैसे यहाँ पे काजल ने पूछा आइए बार आइए होल बार, क्या हुआ मैंने ये लिखा? ये किसी को ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है? पढ़ के लेजिबल है ना एकदम. कुछ भी नहीं समझ में आए कभी तो उसको वर्ड्स में लिख दो. आई ए लिखना भी नहीं है तो लिख दो इंक्रीजिंग एन्युटी होल बार, ऐसे पूरा लिख दो. कुछ भी नहीं है, राइट इट इन वर्ड्स. डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट थिंकिंग एंड सर्चिंग फॉर इट. नहीं, क्लियर? आज से प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. देखो इसने टारगेट बनाया दिन का 5 क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू अ सिंपलर टारगेट 1 आवर, क्योंकि हो सकता है 5 क्वेश्चन आपको 1 आवर से ज्यादा लगे. just do that, okay? तो आज इतना करते हैं हम लोग, please start practicing. If you are not going to practice, आपको नहीं आएगा doubts और आप लोग फिर एग्जाम में भी ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे अपना आंसर्स, ओके? तो आज इतना करते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन. यस अशिका. Ma'am, last time IFoA wrote that even if we use notations other than that have been suggested, like instead of using the greater than and less than sign, if we use the brackets, that would be accepted, right? Brackets in the sense? As in colon and brackets. हाँ तो instead of greater than and less than sign. हाँ. So basically she is saying that ये वाला जो हम लिखते हैं ना A16 जो मैंने इधर लिखा, तो she is saying that A12 जो है आप इसमें यहाँ पे normal brackets use कर सकते हो. See, मैंने ये चीज last class में बोला, आप कर कुछ भी सकते हो, but अगर एक standard, क्योंकि आप लोग को पूरे paper में annuities ही लिखना है, तो अगर एक standard maintain करके रखोगे, it's easier for you, it's easier for the examiner as well. क्योंकि जब आप लोग CT5 में जाओगे तो वहां पे ना आप लोग को ऐसे लिखना पड़ता है, सपोज ए एज एंड देन नंबर, एज भी आता है और नंबर ऑफ इयर्स भी आता है और मेल फीमेल तो आता ही अलग से, तो इतना सारा चीज आ जाता है ना, तो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा फॉर द एग्जामिनर या फिर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो इट्स बेटर कि ये वाला चीज वी ऑलवेज फॉलो. इफ यू डोंट वांट टू, इट्स अप टू यू, यू कैन नॉट, बट वही है मैंने जो इधर करा दिया. दिस इज द अल्टीमेट, लाइक दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच एंड द मोस्ट फास्ट एंड इजीएस्ट अप्रोच. तो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. शी इज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ग्रेटर देन लेस देन नॉर्मल ब्रैकेट्स आराम से करो. बट CT5 में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत आएगा, बिकॉज उधर आप लोग को एज भी लिखना होता है, एक्स वाला एक टर्म भी लिखना होता है एंड नंबर भी लिखना होता है. तो अगर दोनों को फर्स्ट ब्रैकेट में डाल देते हैं तो इट्स अ लिटिल, समटाइम्स इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग टू रीड. That's it. Otherwise, this एक पूरा नोटेशन हमेशा के लिए बन गया, बेंचमार्क तो हमेशा ये रहेगा. ठीक है शिका? Yes ma'am, thank you. Anything else? Okay, तो आज हम लोग इतना कर रहे हैं. Please go through an everyday practice at least 1 hour. Next week I will start CT5 portions. Again, जितना भी क्लासेस लगेगा हमें कवर करने के लिए. CT1 में दिस इज आई थिंक मोर देन इनफ. अगर आप लोग को लग रहा है कि कुछ कुछ छूट गया, यू ऑल कैन जस्ट मैसेज मी सो आई कैन कवर दैट एज वेल इन द क्लास. ठीक है, या फिर आप लोग डाउट्स में वील कीपर डाउट्स क्लास, उसमें आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है, ओके चलो, थैंक यू, यू ऑल कैन लीव.